हाय नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अब मैं काम में बिजी हो जाता हूँ, तो आपको जनरल ज्ञान और नहीं दूंगा कि कैसे पार्टिसिपेट करना है। उसके लिए आप पुराने वीडियोस देख सकते हो। आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ अबाउट द मध्य प्रदेश काउंसिलिंग, जिसके नोटिफिकेशन आ गई है। कुछ कुछ बाकी अभी आनी है, और उसके हिसाब से क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो देखिए, बहुत सारी लिस्ट दिखाते हैं। और पहले जैसा कि आपने चैनल मतलब टाइटल में सुना कि जो सबसे खास बात है जिसे कहते हैं, ये आप देख रहे हैं कि सारे नोटिस अब आ गए हैं। टेंटेटिव टाइम शेड्यूल, ओके। उसके बाद धीरे धीरे करके सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब ये आप चार पांच कागज देखिए। तो मध्य प्रदेश शायद इंडिया का एकमात्र स्टेट है, और भी स्टेट्स देते हैं, लेकिन याद है बीच में एक आया था, एनएमसी ने कहा था कि भैया प्राइवेट कॉलेज में भी आधी सीटें सरकारी फीस पे होनी चाहिए। और वो मैंने आपके लोगों को समझाया कि ऑलरेडी बिना रूल हुए ये चीज़ें लागू हुए कई स्टेट बाय स्टेट, जैसे कि बंगाल हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सब लोग देते हैं काफ़ी सीटें बहुत सरकारी फीस पे। उसका एक नुकसान ही होता है, मतलब फायदा है देखिए मेरिट बच्चों के लिए, क्योंकि आप लोगों को मैं कई बार समझाता हूँ कि सरकारी सीट एमबीबीएस के लिए लोग हम क्यों पीछे भागते हैं। ये नहीं कि वो कॉलेज कुछ बहुत अच्छे हैं, वो सीधी सी बात यह है कि वो फीस का बहुत ज़्यादा फर्क है सरकारी और प्राइवेट एमबीबीएस में। और कोई कोर्स इंडिया का ऐसा नहीं है जिसमें फीस का इतना फर्क हो। ये बात तो मैं कई बार समझा चुका। अब इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है मध्य प्रदेश रिवर्स में, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये देखो इतनी सारी स्कीमें हैं, मैं अभी एक एक खोल के आपको बोर नहीं करूंगा। और सबसे मशहूर तो यह है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। एसटी की अलग है, ओबीसी की अलग है, एससी की अलग है, और इन कैटेगरी की जब आप पढ़ोगे तो उसमें तो इनकम क्राइटेरिया भी कोई बहुत खास नहीं होता है। ये देखिए वार्षिक आय बढ़ा के 6 से 8 लाख कर दी गई है। और आपको पता है कि जब आप इस स्कीम को लेते हो ना, तो आपकी एमबीबीएस भी प्रैक्टिकली फ्री है। जी हाँ, इंडिया का एकमात्र स्टेट जिसमें तकरीबन सारी प्राइवेट की एमबीबीएस की सीटें फ्री होती हैं, वो है मध्य प्रदेश। ओ तो अब बाकी जगह क्या होता है, चाहे हम डीम्ड की बात करें, मतलब एमसीसी डीम्ड या हरियाणा स्टेट, यूपी स्टेट, किसी बच्चे के इस साल 620 नंबर भी हैं, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला जनरल कैटेगरी। आपको मालूम है कि इंडिया में कहीं सरकारी नहीं मिलेगा, और मैं सिंपल घर से बिलोंग करता हूँ, मैं प्राइवेट फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। सबसे सस्ता भी मैं चला जाऊँ केरला तो भी 45 लाख तो लगेंगे। बट यही बच्चा 620 नंबर का, 605 नंबर का, 610 नंबर का अगर मध्य प्रदेश का होता, या शेड्यूल कास्ट की बात करें 570 560 नंबर का, शेड्यूल ट्राइब की बात करें 480 400 नंबर का, उसे कोई सीट छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो अपने प्राइवेट कॉलेज की सीट ले और उसको तकरीबन फ्री ही पड़ेगा, जैसे कि आप सरकारी में पढ़ते हैं। 2-4 लाख की स्कॉलरशिप नहीं होती, 100% स्कॉलरशिप होती है। इस वजह से मध्य प्रदेश के जो प्राइवेट कॉलेज की जो क्लास होती है ना, उसमें सारे के सारे मेधावी बच्चे ही होते हैं, सारे 500+ स्टूडेंट्स होते हैं, 85%। और इसलिए जो 15% सीटें बचती है, जिसको हम एनआरआई गार्जियन सीटें कहते हैं, उसमें अब राउंड वन में उन्होंने रिजर्व रखा हुआ है मध्य प्रदेश डोमिसाइल के लिए। तो मध्य प्रदेश में मैंने कहा ना कि मेरिटोरियस बच्चों के लिए तो फायदा हो गया कि सरकारी नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में चले गए, फीस नमा देनी मा देनी। और इसीलिए कई बच्चे मध्य प्रदेश के सरकारी छोड़ के और बिंदो भी ले लेते हैं, प्राइवेट में आरडी गार्डी भी ले लेते हैं, जो इसमें से किसी भी स्कीम में आ रहे हैं, क्योंकि तो पैसे तो जाने नहीं है। तो ऐसा बहुत होता है मध्य प्रदेश में, एकमात्र स्टेट ऐसा इंडिया का। और जो बच्चे जनरल कैटेगरी का है, 400 नंबर पे, 450 नंबर पे, 350 नंबर पे, वो क्या करे 500 नंबर पे। तो भाई जिनके पास ये सामर्थ्य है, वो एनआरआई गार्जियन के पेपर बनवा के एनआरआई सीट ले लेते हैं। मध्य प्रदेश में बड़ा सिंपल सिस्टम है फीस का, उसका नोटिस मैं आपको भी लास्ट ईयर के एग्जाम्पल से दिखाता हूँ, क्योंकि अभी तक इस साल की ना फीस नहीं आई है, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, देखिए ये हो गया टिपिकल फीस स्ट्रक्चर, अगर आप देख पाएंगे, मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। ऊपर तो सरकारी कॉलेज है, नीचे औरबिंदो जो कि एक महान कॉलेज माना जाता है, इसकी प्राइवेट फीस है नेट 16,50,000 रुपये, जो सबको फ्री पड़ेगी जो मेधावी छात्र में पढ़ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में सिंपल रूल है, जो ये फीस है इसका 3 गुना होगा एनआरआई फीस। एनआरआई फीस हो जाएगी सीधा 48 लाख। हर कॉलेज में ये लॉजिक चलेगा जो प्राइवेट कॉलेज हैं। अब आप चाहकर भी कम नहीं कर सकते। अब देखो यार, माना अरविंदो बहुत अच्छा है, पर 48 लाख इंटू 4.5 तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा ना, 2.25 करोड़, और हॉस्टल अलग से।
तो इसलिए मध्य प्रदेश में जो भी ये सीट का फॉर्म भरता है वो पहले जरूर कॉलेज से या कंसल्टेंट के थ्रू कॉलेज से डील कर लेता है कि भाई मैं तभी पंगा लूंगा, क्योंकि इसमें एनआरआई सीट भरने के लिए 10 लाख का डिपॉजिट भी है, तो आप टाइम पास भी नहीं कर सकते। तो 10 लाख का डिपॉजिट दे के चॉइस फिलिंग करने से पहले अक्सर हम हमेशा कॉलेज से बात करते हैं डायरेक्टली या थ्रू कंसल्टेंट कि भाई मैं सर भरने वाला हूँ और मुझे अगर ये सीट मेरे को मिल जाती है, देखिए सीट तो अभी भी मेरिट से मिलनी है राइट, अगर मेरे को मिल जाती है तो मुझे कितनी टोटल फीस पे करनी है। तो वो अक्सर जो ये कॉलेजेस हैं ये आपको 1-20, 1-25 का डील दे देते हैं 2 करोड़ के बदले, जो कि नामी कॉलेज हैं अरबिंदो, आरडी गार्डी, इंडेक्स इंदौर, एलन भोपाल, एक्चुअली भाई जो सारे पहले भाई लिखे हुए हैं पीपल, अरबिंदो, आरडी गार्डी, इंडेक्स, एलन भोपाल, चिरायु, ये हो गए जो ग्रेड 1 कॉलेज हो गए। इसमें भी अरबिंदो हो गया ग्रेड 1+, आरडी गार्डी 1+, बाकी चारों ग्रेड A। देन अमलतास इज डिसेंट कॉलेज, अब अमलतास की जो फीस है वो ही है ऑफिशियली 36 लाख रुपए, ठीक है तो 36 × 4 4.5 करेंगे फिर भी, लेकिन 1 65 हो जाएगा। फिर अमलतास के बाद RKDF एक पुराना कॉलेज है भोपाल का, एलन एलन ग्रुप का ही हो गया, जो ये एलन भोपाल आया था इंदौर सॉरी, सुख सागर जबलपुर में है, महावीर भोपाल में खुला हुआ है, रामकृष्ण नया आया था भोपाल में, और फिर उसके बाद BDS स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो नॉर्मल फीस से 3 गुना है, तो ये लोग आपको डील देते हैं, क्योंकि 10 लाख का बॉन्ड भी है तो कोई बिना इनसे बात करे सीट लेता नहीं है। तो अक्सर राउंड वन में यही होता है कि अरबिंदो हो गया या पीपल हो गया, इन कॉलेज की सीट मध्य प्रदेश वाले बच्चे ले लेते हैं, और फिर राउंड 2 में जब खुलता है, तो इसलिए राउंड 1 को इन्होंने NRA सीट के लिए भी मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए रिजर्व कर रखा है। जैसे कर्नाटका की जो स्टेट NRA सीट है या डीम्ड की NRA सीट्स हैं, MCC काउंसलिंग में डीम्ड बंडी बोलना चाहिए, या हरियाणा स्टेट की NRA सीट है, वो राउंड 1 से सबके लिए अवेलेबल है, बट मध्य प्रदेश की NRA सीटें भी राउंड 1 से सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए। अब इंटरेस्टिंग चीज, पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है कि फर्स्ट राउंड भी फ्री एग्जिट दिया गया है। ये जो एक फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, ये 8 पेज का डॉक्यूमेंट था, ये वाला हिंदी में होता है प्योर, और मध्य प्रदेश शुड ऐसे कि सबसे प्योर हिंदी भाषी स्टेट है, यहाँ आप किसी लोकल बंदे से बात करेंगे ना तो हमेशा ही कहता है कि ये व्यक्ति ऐसा है, कभी नहीं बोलते ये बंदा ऐसा है, ये इंसान ऐसा है। तो इसमें ये आ गया देखो जी, ये सबसे बड़ा चेंज है ये वाला, और तभी इन्होंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। प्रथम चरण की काउंसलिंग में जो सीट आवंटित हुई, अगर मैं प्रवेश नहीं लेता तो क्या मैं पात्र हूँ? अब आप पात्र हैं, क्योंकि ये साल चेंज हो गया है, क्योंकि 2023 तक अगर आपको सीट मिलती और ज्वाइन नहीं करते थे तो आप MP स्टेट ही काउंसलिंग के बाहर हो जाते थे। तो ये नोटिस हो गया मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए फायदेमंद। बाकी ये 8 पेज के रूल हैं, एक ही पंजीकरण है, इसमें कोई कॉमन अलग से नहीं है NRI जैसे पंजाब में होता है या कहीं और होता है, फिजिकल जो होता है एक ही फॉर्म होगा, और जैसा कि मैंने कहा अपग्रेडेशन अलाउड है, जैसे आप इंडिया में हर जगह हो चुकी है, तो वो सारे आपको इस 8 पेज के ब्रोशर से पढ़ के समझ में आ जाएंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहता था फीस को लेके, क्लास को लेके, कि क्यों किसी को प्राइवेट कॉलेज की सीट नहीं छोड़नी पड़ती, क्योंकि इतनी सारी स्कॉलरशिप्स हैं। ओके, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जैसा कि मैंने आपको बोला भी है, हमने अब फुल फ्लेज काउंसलिंग क्लाइंट्स लेने बंद कर दिए हैं, तो हमारा वो 30, 50, 75 और 1.5 लाख का पैकेज अब खत्म है। कोई बहुत स्पेशल तो सिर्फ 20,000+ GST में हम दे रहे हैं कॉल, वो तो वैसे भी मिलती है जो आपको 5,000 ही कॉल है, प्लस ये है कि काउंसलिंग में आप मेरी लिस्ट में आ जाएंगे ब्रॉडकास्ट की, और मुझसे आप व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्ड करके क्वेश्चन पूछ के रिकॉर्ड करके आपको आंसर मिल जाएंगे। देखिए सीधी सी बात यह है कि उसमें मेरा समय कम लगता है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ जो हमें 75,000 रुपये देते हैं, जो 1.5 लाख देते हैं, उनको हम उतने घंटे देता हूँ मैं, क्योंकि आपको मैंने कई बार बोला है सारी काउंसलिंग सारा काम मैं खुद करता हूँ। और बड़ी प्रैक्टिकल बात है भाई, जो 30,000 का पैकेज लेता है सिंगल स्टेट का, उससे एक या दो बार बात करी, मामला क्लियर हो गया, उसके बाद काम करा, रिपोर्टिंग कराई, ज्वाइन करा जा। 50,000 वालों से ज़्यादा डिसीजन करनी पड़ती है, 75,000 वालों से और ज़्यादा करनी पड़ती है, 1.5 लाख वालों से और ज़्यादा करनी पड़ती है, तो उतना ही हम अपना समय देते हैं, और मेरे समय की ही कीमत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना समय हमें केस में लगाने वाला हो, मैं उसके हिसाब से अपने हमने फीस रखी हुई है, और वही एक अपना ब्रॉडली आइडिया है। तो जो नया आपके लिए लॉन्च करा है 20,000+ GST का, उसका यही फ़र्क है बस कि चूंकि, हाँ और समय का क्या रहता है, अब ठीक है जी आप लोगों का प्यार ही है ये कि जो मेरे सामने ऑफिस में आके बैठ जाता है वो तो कभी 2 घंटे से पहले उठता नहीं है, सिमिलरली जो फोन भी करेगा, वीडियो कॉल पे आएगा, वो भी 1 घंटा लगा देगा, और 1 घंटे का मेरे पास समय नहीं है अब नए लोगों को देने का। तो जब हम कहते हैं कि व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर दो,
तो फिर क्या होता है, आपका सटीक सवाल मेरा सटीक जवाब। जैसे मेरे 2-3 दिन से कई लोग जो जुड़े हैं ना, वो व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये कैसा जगह, सीधा 30 सेकंड का क्वेश्चन, 30 सेकंड का जवाब। लेकिन जब फोन पे बात करते हैं, जब हम वीडियो कॉल करते हैं, आमने सामने बैठते हैं, तो 1 मिनट में कभी बात नहीं खत्म होती ना। मतलब आप पहले फोन उठाओगे, पूछोगे और सर क्या हाल चाल है, मैं पूछूंगा क्या हाल चाल है, तबीयत पानी ठीक, मैं जानता हूँ कि सब चीज़ें अच्छी हैं बोलना करना, और तभी वो पहले 100 क्लाइंट के साथ वो सब करते ही हैं। लेकिन अब नए लोगों के साथ मेरे पास, जैसे कहते हैं, दुआ सलाम का भी समय नहीं है, इसलिए वो चीज़ बनाई गई है कि आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजिए, रिकॉर्ड करके भेजिए बेशक, ताकि खुल के बोलिए, मैं रिकॉर्ड करके जवाब दूंगा। मेरे जवाब के बाद 2-4 और डाउट है, फिर वो पूछे, फिर जवाब दे देंगे। और कोई डाउट आ रहा है फॉर्म भरते समय, क्वेश्चन पूछिए जवाब लीजिए, फोटो खींचिए क्वेश्चन पीछिए जवाब लीजिए। और उसमें क्या होता है, दुआ सलाम का भी जो समय बच जाता है ना, वो मेरे लिए बचाना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मुझे पता है कई लोगों को अजीब लगता है कि सर आपके पास दुआ सलाम का भी टाइम नहीं है। भाई नहीं, हम तो सर्विस प्रोफेशनल है ना, हमारी कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही है, कोई शोरूम तो चल नहीं रहा है कि आपसे मैं बातें मार रहा हूँ और मेरा पीछे से कार का शोरूम चल रहा है, खेती चल रही है, 50 एकड़ जमीन बटाई भी दे रखी है, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, या मेरी सरकारी नौकरी चल रही है, बंदी बधाई तनख्वाह नहीं है। मैं तो जो जो मेरे काम करने के 12 घंटे हैं, उन्हीं में से तो कमाऊंगा ना। तो उन 12 घंटों में जो काम करता हूँ, तो मुझे उस समय को उस हिसाब से डिवाइड करना पड़ता है। ओके, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। हमारा नंबर है 9643362320। बाय बाय।